प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही SkyMet AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, SkyMet ब्रदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। तो जो अगस्त का महीना है, अभी तक काफी ज्यादा खराब निकला है बारिश के लिहाज से लगभग पूरे भारत के लिए। केवल पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण तबाही हुई थी, यानी कि नुकसान भारी बारिश से भी हुआ था और न होने से भी हुआ था। तो इस समय जो मानसून की स्थिति है वो सामान्य से 5% पूरे भारत को कम बारिश मिली है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत को सबसे अच्छी बारिश मिली है अभी तक, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती नहीं है, तो 8% ज़्यादा बारिश मिली है दक्षिण भारत को। और जो मध्य भारत है उसको सामान्य से 7% कम बारिश मिली है, उत्तर भारत को सामान्य से 2% कम बारिश मिली है, और पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को सामान्य से 13% कम बारिश मिली है, यानी कि ज़्यादातर इलाकों में बारिश सामान्य से कम ही बनी हुई है। तो अब ब्रेक मानसून कंडीशन हो चुकी है, लगभग हो चुकी है, क्योंकि जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है जो आप पहले देख रहे थे कि जयपुर के आसपास से जा रही थी, फिर हिसार के आसपास गई और ज़्यादा उत्तर में आ गई है। तो ब्रेक मानसून कंडीशन का जो वो होता है, यानी कि इसको कहते कैसे हैं, किस तरह से इसको समझ सकते हैं, तो क्या होता है कि जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है वो तराई में चली जाती है, और ये आप देखिए ये जो लाइन बनी हुई है ये हवाओं की दिशा है, यानी कि पश्चिमी गर्म और शुष्क हवाएं उत्तर भारत और मध्य भारत में चलने लगती हैं। तो आपने देखा होगा आज दिल्ली NCR सहित हरियाणा के कई भागों में और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ये पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, यानी कि जो पूर्वीया थी, जो नमी वाली हवाएं थी वो बदल गई हैं और ये गर्म और शुष्क हवाएं चल गई हैं, जिससे कि मौसम शुष्क हो जाएगा। तो इन इलाकों में दिल्ली NCR सहित पूरे उत्तर भारत में ये जो हवाएं हैं इस तरह से चल रही हैं और इस तरह से ये घूम रही हैं, यानी कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे हुए बिहार पर है, और मानसून की अक्षय रेखा इस तरह से अरुणाचल प्रदेश तक जा रही है। तो जब हवाएं इसको क्रॉस करती हैं एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ को, तो पूर्वी हो जाती हैं, तो तराई के इलाकों में बारिश ज़्यादा होती है, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अब भारी बारिश होगी अगले 4 या 5 दिनों के दौरान। और उसी तरह से, क्योंकि ये पूरा वैसे एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ उत्तर में चला गया है, लेकिन जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर, इसके प्रभाव से क्या होगा कि पूर्वी भारत को लगातार अच्छी बारिश मिलती रहेगी। और पिछले 24 घंटों में हमने देखा है कि लखनऊ और कानपुर और उसके आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, और उसी तरह गोंडा, बस्ती, इन इलाकों में भी भारी बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर, ये यानी मध्य भागों में, बिहार में, झारखंड में और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, इन इलाकों में अभी भी अच्छी बारिश होगी, और कल परसों से हमें उम्मीद है कि बिहार में भारी बारिश की संभावना बन रही है। तो यानी पूर्वी भारत को अच्छी बारिश मिलेगी, उत्तर पूर्वी भारत को भी अच्छी बारिश मिलेगी, और पूर्वी उत्तर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी मिलने वाली है। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर इलाके अब शुष्क हो जाएंगे और जो बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। हालांकि कल उज्जैन वगैरह में, श्योपुर वगैरह में अच्छी बारिश हुई है, अब धीरे धीरे बारिश में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो यानी उत्तर भारत पूरी तरह शुष्क हो जाएगा, और ये 15 या 16 अगस्त तक ब्रेक मानसून कंडीशन रहती है, यानी मानसून में ब्रेक आने को ब्रेक मानसून कहते हैं। तो ब्रेक का मतलब है कि जो मानसून में बारिश हो रही होती है वो एकदम रुक जाती है, और फिर क्या होता है कि ये लगभग एक हफ्ते का ब्रेक होता है, और उसके बाद ये धीरे धीरे फिर ये जब मानसून की अक्षीय रेखा नीचे आने लगेगी तो हवाएं फिर पूर्वी हो जाएंगी। यानी कि अभी फिलहाल क्या होगा कि उत्तरी जिले जो पंजाब और हरियाणा के हैं, तराई वाले इलाके हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, इसमें अच्छी बारिश होगी, पहाड़ों पर अच्छी बारिश होगी, बाकी इलाके शुष्क हो जाएंगे। और जब ये 15-16 तारीख के बाद दक्षिण में आना शुरू हो जाएगी तो उस समय फिर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी पंजाब और पंजाब के कई इलाकों में, हरियाणा में, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो कम से कम अब ये जो ब्रेक है वो एक हफ्ते का है, उसके बाद जाकर के बारिश बढ़ेगी। और हालांकि अगस्त का महीना जो होता है उत्तर भारत के लिए काफी अच्छा होता है, यानी कि सबसे ज्यादा बारिश अगस्त के महीने में ही होती है, लेकिन बदकिस्मती से जो पहला पखवाड़ा है वो काफी ज्यादा शुष्क निकला है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो 15 तारीख के बाद का जो 15 दिन होंगे उसमें मानसून की बारिश की भरपाई काफी इलाकों में हो जाएगी। लेकिन अभी भी जो पश्चिमी राजस्थान है और गुजरात है, ये इलाके अभी भी शुष्क ही बने रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। जैसे ही हमें कोई इंडिकेशन मिलेगा कि मानसून फिर से रिवाइव होने वाला है, हम आपको बताएंगे। SkyMet ब्रदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।